हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो चाइना ने अबैंडन कर दिया है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अबैंडन मतलब पूरी तरीके से छोड़ दिया है कि भाई हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, भले इसको रिपेयरमेंट की ज़रूरत है हम वो नहीं कर सकते। क्या है ये पूरा इश्यू? और आप सबको पता है पाकिस्तान को अभी बहुत ज़रूरत है हेल्प की इन एवरी पॉसिबल वे। तो ऐसे समय में चाइना ने अपने कदम क्यों पीछे करे और पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं की? क्या है टेक इसमें पाकिस्तान का और चाइना का? वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ये आपको जो दिख रहा है ना पिक्चर में, ये है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब 2007 में 7 जुलाई को चाइना की एक कंपनी है CGGC के नाम से, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया था कि प्लीज़ आप ये डैम बनाओ। और जितनी भी टर्म्स थी वो 2007 के एंड ईयर तक पूरी हो गई थी। और 2008 जनवरी में जो लेटर ऑफ कमेंसमेंट था वो इश्यू कर दिया गया था कि भाई हाँ अब हम यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट की 2008 में शुरू हुई और ये ओपनिंग डेट थी इसकी 14th of August 2018। अब अगर हम इधर इंडिया की बात करें, इंडिया में एक सिमिलर प्रोजेक्ट है किशनगंगा पावर प्लांट के नाम से। जो किशनगंगा रिवर है उसी को पाकिस्तान में जाने के बाद नीलम बोला जाता है, नीलम रिवर। ओके, हमारे इस प्रोजेक्ट का सर्वे वर्क 1988 से भी पहले शुरू हो रखा था, लेकिन फिर जो वहाँ के पाकिस्तान के जो इंडस कमिश्नर थे उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप अपना ये सर्वे का काम जो है इसको पोज कराएं और आप यहाँ पे बांध नहीं बना सकते। उन्होंने बेसिकली थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करें, फिर ये थोड़े दिनों के लिए रुक गया है क्योंकि ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान भी चाहता था कि वो इस रिवर का जो पानी है वो पूरी तरीके से यूज़ कर पाए अपने प्रोजेक्ट पे, और इंडिया बेसिकली इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ना करे और ना ही अपना प्रोजेक्ट बनाए। कि अगर इंडिया का डैम वहाँ पे बनता है तो उससे जो पाकिस्तान के डैम की एफिशिएंसी होगी वो 11% से कम हो जाएगी। लेकिन हमने पाकिस्तान की ना सुनते हुए 2009 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और PM नरेंद्र मोदी ने इसे इनोग्रेट करा 19 मई 2018 को। कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट था इसका वो 2016 में कंप्लीट होना था, लेकिन अगेन पाकिस्तान ने इसमें डिस्प्यूट खड़े कर दिए और ये होल्ट हो गया 2011 में। फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा बहुत निगोशिएशन हुआ और दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। देखो अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे आपको किशनगंगा प्रोजेक्ट दिखेगा इन इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर में, और POK में आपको दिखेगा नीलम झेलम प्रोजेक्ट। अच्छा, जो ये प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, इसमें सिर्फ इंडिया ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रहा था। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है POK और ये बनाया गया है पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ बिजली प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इसी के चलते POK के जो लोग हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा प्रोटेस्ट करा था कि भाई सबसे पहली बात अगर कोई सिचुएशन आ जाती है फ्लड वगैरह की तो हमारे यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान होगा अगर ये डैम बनता है तो। दूसरी बात, नुकसान हम झेल रहे हैं और फिर भी बिजली हमें नहीं मिल रही है और पंजाब प्रोविंस को मिल रही है, तो इसके चलते वहाँ पे लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा था और इसलिए इनके इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिलेज भी हुए। अब इश्यू क्या है, चाइना और पाकिस्तान के बीच का इश्यू समझते हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा शॉर्टेज झेली है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की इस साल में। उसी कंडीशन को और ज़्यादा वर्स करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट था ये भी शट डाउन हो गया जुलाई में। ये प्रोजेक्ट बनाया था चाइनीज़ कंपनी ने, तो पाकिस्तान गया चाइनीज़ कंपनी के पास कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको आप प्लीज़ रिपेयर करिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नीड है इसकी अभी। अब चाइनीज़ कंपनी वाले आए यहाँ पे, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला इसमें $120 मिलियन का खर्चा होना है और हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये खर्चा आप उठाओगे, हम नहीं उठाएंगे। अब पाकिस्तान की कंडीशन आपको पहले ही पता है कितनी ख़राब है, वो कुछ भी उसके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं कि वो ऐसे लगा पाए। पाकिस्तान हर कंट्री से हेल्प की गुहार लगा रहा है फ़िलहाल, और USA ने काफ़ी मदद करी भी है उनकी ताकि उनकी जो इकोनॉमी है उनकी जो कंट्री है वो कोलैप्स होने से बच पाए। तो इसी के चलते इतना बड़ा अमाउंट पाकिस्तान नहीं दे पाएगा चाइना को, और चाइना ने बोला कि ऑलरेडी पेमेंट आप बहुत डिले कर चुके हैं, हमें पेमेंट टाइम से चाहिएगी, हम तभी रिपेयर करेंगे। इसी के चलते इन दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए क्योंकि पाकिस्तान अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो पे कर पाए और चाइना
कंडीशन को नहीं समझ रहा है और पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा है इतने बेटर रिलेशंस होने के बाद भी। तो बस यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब पाकिस्तान का क्या टेक है इसको लेके? पाकिस्तान बोल रहा है कि आपकी जो कंपनी है उन्होंने एक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है, इन एफिशिएंसी के साथ काम करा है, इतना स्लो वर्क करा है कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखो ये बोला जाता था कि बातें शुरू हो गई थी 2002 में, और 2002 से फिर 2008 आया, 2008 में शुरू हुआ। पाकिस्तान जो गवर्नमेंट थी वो सेटिस्फाई नहीं थी चाइनीज़ कंपनी के जो स्लो प्रोसेस था उसको लेके। फिर उन्होंने बोला जो आपने मटेरियल यूज़ करा है वो एकदम पुअर क्वालिटी का है, पुअर सुपरविजन रही है आपकी और मैनेजमेंट भी बेहद पुअर रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आज हमें देखनी पड़ रही है। और अगर हम डेटा की माने तो इस प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है, अराउंड 74 मिलियन डॉलर्स का करप्शन हुआ है इस डैम को लेकर, जिसकी वजह से ये डैम एफिशिएंट बन ही नहीं पाया कभी। और पाकिस्तान भी यही बोलता है। अब चाइना इसको काउंटर में क्या बोलता है? चाइना ने बोला देखो सबसे पहले तो आपके जो लोकल्स हैं वहाँ के वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि भाई हमें ये नहीं बनवाना डैम, और पाकिस्तान पुलिस ने भी हमें कोई ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाई है जिसके चलते हमें बिलीव हो सके कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चाइनीज़ जो कंपनी के लोग हैं जिनको वहाँ आना है डैम को रिपेयर करने के लिए वो इसी चीज़ से डरे हुए हैं। दूसरा रीज़न चाइना ने दिया कि इस प्रोजेक्ट का डिले होने का मेन कारण है आपने पेमेंट टाइम से नहीं करी, आपके पेमेंट्स में हमेशा डिले रहे हैं जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम लग गया और ये एफिशिएंटली नहीं बन पाया। क्वेश्चन उठता है अब क्या करेगा पाकिस्तान? देखो चाइनीज़ कंपनी ने हाथ खड़े कर लिया, वो नहीं आएंगे, उन्होंने बोला पैसे दो हम तब जाके इस पे काम करेंगे। पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं, पाकिस्तान के पास फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, हर चीज़ की फ़िलहाल शॉर्टेज चल रही है। तो जहाँ तक आइडिया है पाकिस्तान किसी और कंट्री के पास जाएगा, और शहबाज शरीफ ने बोला भी है कि हम किसी और कंट्री की कंपनी से बात करेंगे जो इसको रिपेयर कर सके, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान यूएस की तरफ ही देख रहा होगा क्योंकि उतना बढ़ चढ़कर यूएस ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है फ़िलहाल। बाकी देखते हैं क्या होता है, कब तक इसका रिपेयरमेंट वर्क होता है कब तक नहीं। आई कीप यू अपडेटेड। सो दिस वॉज द न्यूज़ फॉर यू गाइज, आई होप यू लव्ड इट। इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाई।